नमस्कार, तीसरे सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि स्वस्थ पंचायत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को क्या क्या करना होता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे स्वस्थ पंचायत बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पहले जानते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य किसे कहते हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही बेहतर स्वास्थ्य की पहचान है। यानी जब आप तन, मन और आत्मा से पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, वह स्थिति बेहतर स्वास्थ्य की होती है। ऐसे में सभी उम्र के लोगों के लिए उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना ही स्वस्थ गांव की पहचान है। स्वास्थ्य और जन कल्याण से संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 73वें संविधान संशोधन अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां और ग्रामीण विकास जैसे 29 जरूरी विषय शामिल किए गए हैं। उन्हीं विषयों में बेहतर स्वास्थ्य की बात कही गई है। इसमें बच्चों और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इनमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात कही गई है। मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, शिशु व बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में टीकाकरण एवं निःशुल्क व कम मूल्य पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात भी इसमें कही गई है। साथ ही भुखमरी और कुपोषण जैसे गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए इससे प्रभावित बच्चों, महिलाओं व पुरुषों की पहचान कर उन्हें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पौष्टिक एवं पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की बात है। इससे पंचायतों से भुखमरी व कुपोषण दूर होगा। गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण, सुपोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना तथा किशोरियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा योजनाओं का लाभ भी सभी को उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। सवाल यह है कि हमारी पंचायतें स्वस्थ पंचायत कब कहलाएंगी? इसका जवाब है, जब सभी गर्भवती महिलाओं का गर्भावस्था के दौरान शुरुआती 3 महीने में आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण हो रहा हो। जब 2 से 5 वर्ष के सभी बच्चों का आंगनबाड़ी में पंजीकरण हो रहा हो और सभी बच्चों के वजन वृद्धि की निगरानी नियमित हो रही हो। जब सभी पात्र परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया हो और उन शौचालयों का उपयोग हो रहा हो। जब पंचायत की सभी गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराया जा रहा हो। जब सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जा रहा हो। जब सभी गर्भवती महिलाओं के लिए 4 ANC जांचें नियमित हो रही हो। जब सभी गर्भवती, धात्री एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण आहार की उपलब्धता हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब पंचायतें यह सुनिश्चित करें उनके यहाँ नियमित तौर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHND का आयोजन किया जा रहा हो और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही हो। बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगी हो। बेटा बेटी में भेद ना हो रहा हो और लिंग के आधार पर गर्भपात नहीं हो रहा हो। स्कूलों में पौष्टिक मध्याह्न भोजन मिड डे मील दिया जा रहा है। आपातकालीन नंबरों जैसे एम्बुलेंस, पुलिस हेल्पलाइन और अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी सार्वजनिक स्थलों पर दी गई हो। स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा दी जा रही हो। इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था की गई हो। संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्था हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा सुनिश्चित की गई हो। जानवरों के काटने और अन्य दुर्घटनाओं के मामले में आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था हो। गाँव में दिव्यांगता की प्रारंभिक पहचान की जाए और उसका उचित प्रबंधन किया जाए। आइए हम जानते हैं कि एक स्वस्थ पंचायत बनाने हेतु स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है। जो भी गर्भवती महिलाएं हमारे क्षेत्र में हैं,
उन्हें आशा और आंगनवाड़ियों और ANM की मदद से उन्हें जब भी बच्चा गर्भ में आए उसी समय उसे जांच करें, उसकी हर प्रकार की जांच की जाए। और ये पूरा प्रयास रहता है कि हम शुरू में ही उन्हें चिन्हित कर सकें कि कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर है तो उसे और अन्य नॉर्मल डिलीवरी भी हम अपने इंस्टीट्यूट में ही या किसी भी संस्था में ही कराने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। एक बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसका सबसे पहला अधिकार है कि उसका जन्म पंजीकृत हो और उसके पास जन्म पंजीकरण हो। पंचायत को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि ग्राम पंचायत में मौजूद हर बच्चे के पास जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र हो। जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र बच्चे को जितनी भी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हो, शिक्षा संबंधित सेवाएं हो, उनसे उनको तक पहुंच करवाती है और पंचायत स्तर पर जितने भी सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं उससे भी उनको लिंक करती है। पंचायतों को इस पर करनी होगी निगरानी। कुपोषित महिलाओं व बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार की निगरानी, मलेरिया और जल जनित संचारी रोगों से निपटने के लिए स्वच्छता की निगरानी, गर्भवती और धात्री महिलाओं एवं बच्चों का समय पर टीकाकरण हो रहा है इसकी निगरानी। पंचायतों को इस ओर बढ़ावा देने की है जरूरत। बच्चों को तुरंत स्तनपान कराया जाए, नवजात को 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध दिया जाए, जन्म के 6 महीने बाद सभी बच्चों को स्तनपान के साथ साथ घर पर ही पौष्टिक आहार की शुरुआत की जाए, घरों में पौष्टिक कम लागत वाले स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाज और सब्जियों का उपयोग किया जाए, ताज़े फल और सब्जियां आसानी से उपलब्ध हो सके इसके लिए किचन गार्डनिंग यानी बागवानी की जाए, घर में और स्कूल में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाए। स्व सहायता समूह SHG, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस VHND और अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से महामारी और स्वच्छ प्रबंधन की जानकारी प्रदान की जाए। परिवार के सभी सदस्य शौच के लिए शौचालय का ही उपयोग करें। छोटा परिवार सुखी परिवार की राह पर आगे बढ़ें और परिवार नियोजन अपनाएं। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और रेफरल सेवाओं के प्रति जागरूकता लाना। अभी तक हमने समझा कि पंचायत को स्वस्थ पंचायत के रूप में बनाने के लिए कौन से प्रयासों की ज़रूरत है। आइए अब यह समझते हैं कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, सघन मिशन इंद्रधनुष IMI, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, समेकित बाल विकास योजना ICDS, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NVB-DCP, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। स्वस्थ पंचायत बनाने के लिए इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आशा है यह सत्र स्वस्थ ग्राम पंचायत के संकल्प को हासिल करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।